तो यार आज के वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ में बताऊंगा जुलाई 2020 फेस्ट में ओप्पो के कौन कौन से स्मार्टफोन में हमें जुलाई 2020 फेस्ट का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। एंड साथ ही साथ हम कवर करेंगे ओप्पो के कौन कौन से स्मार्टफोन में हमें कलर शेलोन 0.1 का फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन या फिर ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड किया जाएगा। कलर की तरफ से सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो के साथ में। फिर हो सके तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बिकॉज में भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ओप्पो A31 से। फिर ओप्पो A31 डिवाइस में जुलाई 2020 फेस्ट में जुलाई 2020 फेस्ट का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा, क्योंकि हमारे फोन में मई 2020 फेस्ट में न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला था। एंड फिर हमारे डिवाइस में जून 2020 फेस्ट का सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं मिला। एंड वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे फोन में फिलहाल बाई मंथली अपडेट प्रोवाइड हो रहे, मतलब आपके डिवाइस में एक मंथ में अपडेट मिल गया तो उसके अगले वाले मंथ में आपके डिवाइस में कोई सा भी अपडेट नहीं मिलेगा। तो हमारे डिवाइस में जुलाई 2020 फेस्ट में जुलाई 2020 फेस्ट के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ में न्यू अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो A31 डिवाइस में। एंड साथ ही साथ जो यूजर वेट कर रहे हैं हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड 10 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, तो भैया एंड्रॉइड 10 का अपडेट आपके डिवाइस में जुलाई 2020 फेस्ट में नहीं मिलेगा। एंड इन फ्यूचर कब तक देखने को मिलेगा तो मैं आपको क्लियर बता दूं, आपने फोन में एंड्रॉइड 10 अपडेट का वेट करना छोड़ दो, क्योंकि भाई देखो एंड्रॉइड 11 का ऑफिशियल वर्जन अवेलेबल हो चुका है एंड एंड्रॉइड 12 की बीटा टेस्टिंग चल रही है गूगल की तरफ से। तो एंड्रॉइड 10 का अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा भैया? आपने डिवाइस में एंड्रॉइड 10 अपडेट वेट करना छोड़ दीजिए, आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 10 अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ हमारा अगला स्मार्टफोन है ओप्पो A53 का। तो आपको पता होगा ओप्पो A53 डिवाइस में कलर शेलोन 0.1 का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस अपडेट का वर्जन है CPH2127_11_3.12 एंड ये अपडेट का साइज है 348 MB। जिनके डिवाइस में कलर शेलोन 0.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट मिला था उनके डिवाइस में 3.12 करके ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी भी हमें काफी सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, भैया हमारे डिवाइस में कलर शेलोन 0.1 का ऑफिशियल वर्जन कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा फोन अभी भी एंड्रॉइड 10 पे रन करे। तो आपको पता होगा कोई सा भी मंथ स्टार्ट होता है ना, तो उसके फर्स्ट वीक में कलर की तरफ एक ऑफिशियल एंड बीटा शेड्यूल प्रोवाइड होता है। एंड जब ऑफिशियल शेड्यूल प्रोवाइड होगा जुलाई 2020 फर्स्ट में, तो वहां पे ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि ओप्पो A53 डिवाइस में हम कलर शेलोन 0.1 का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब ऑन गोइंग पे ओप्पो A53 डिवाइस का नेम ऐड कर दिया जाएगा। एंड जो मेनो फायदा आपको पता होगा ऑन गोइंग पे जो भी डिवाइस का नेम ऐड हो गया ना, तो आपके डिवाइस में कलर शेलोन 0.1 या फिर जो भी अपडेट प्रोवाइड हो रहा है आपके डिवाइस में, देन वो अपडेट आपके डिवाइस में कब तक देखने को मिलेगा उसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। एंड इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कलर भी प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको बताया जाएगा भैया हम अपडेट को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे, आपके डिवाइस में जल्द से जल्द ये अपडेट रिसीव हो जाएगा OTA के थ्रू। एंड साथ ही साथ हमारा अगला डिवाइस है ओप्पो F17 का। फिर ओप्पो F17 डिवाइस में फिलहाल कलर शेलोन 0.1 का ऑफिशियल वर्जन रन कर रहे, जिस अपडेट का वर्जन है CPH2095_11_3.10 एंड जिनका फोन एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहे उनके डिवाइस का लेटेस्ट वर्जन है CPH2095_11_A.41 एंड ऑफिशियल वर्जन हमारे डिवाइस में जून 2020 फर्स्ट की सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ में प्रोवाइड हुआ था। एंड अभी भी जिनका फोन एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहे उनके डिवाइस में कलर शेलोन 0.1 का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। एंड आपके डिवाइस में कलर शेलोन 0.1 का ऑफिशियल वर्जन में भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा कलर की तरफ से। एंड जुलाई 2020 फेस्ट में हमें जो ऑफिशियल शेड्यूल देखने को मिलेगा वहां पे ओप्पो F17 डिवाइस का नेम ऑन गोइंग पे ऐड कर दिया जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपका डिवाइस का नेम ऑन गोइंग पे ऐड हो गया तो आपके डिवाइस में कलर शेलोन 0.1 का ऑफिशियल वर्जन कब तक देखने को मिलेगा ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, चाहे ओप्पो इंडिया हुआ या फिर कलर वॉश या फिर मैं। एंड साथ ही साथ हमारा अगला स्मार्टफोन है ओप्पो A5 A9 2020। आपको पता होगा ओप्पो A5 2020 डिवाइस में CPH1933_11_F.05 के साथ में 2.0 का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड हो रहे, जिस अपडेट के साथ में हमें जून 2020 फेस्ट का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलता है। एंड ओप्पो A9 2020 डिवाइस में फिलहाल CPH1937_11_F.06 का वर्जन रन करे एंड इन दोनों अपडेट का साइज है 825 MB। एंड वहीं भी बात करें ओप्पो F11 एंड F11 प्रो के बारे में, शेयर ओप्पो F11 प्रो डिवाइस में कलर शेलोन 0.1 का न्यू अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है, जिस अपडेट का वर्जन है CPH1969_11_F.15 एंड ये कलर शेलोन 0.1 का ऑफिशियल वर्जन है, आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ओप्पो F17 डिवाइस में जुलाई 2020 फेस्ट में न्यू अपडेट देखने को मिलेगा इस मंथ के लास्ट वीक के पहले पहले। एंड वही प्रोसेस होगा ओप्पो A53, ओप्पो A5 A9 2020 एंड ओप्पो F11 प्रो के साथ में
ओप्पो या फिल्म प्रो के साथ में भी हमें अगस्त 2020 फेस्ट के फर्स्ट वीक में न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। एंड जहां तक रही बात जिनके डिवाइस के लिए कलर ऑफ 11.1 का ऑफिशियल वर्जन ऑनगोइंग पे ऐड हो चुका है एंड उनके डिवाइस में ऑफिशियल वर्जन देखने को नहीं मिला, तो भैया आप आंख मूंद के करो वेट, आपके डिवाइस में इन फ्यूचर कभी भी कलर ऑफ 11.1 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल सकता है एंड जल्द से जल्द मे बी 2 or 3 months के पहले पहले इसके ऑफिशियल मैनुअल लिंक भी अवेलेबल हो जाएगी, जो कि मैं आपको फुल डिटेल के साथ में बता दूंगा कि आप अपने फ़ोन को मैनुअली मतलब अपने आप से खुद से कलर ऑफ 11.1 के ऑफिशियल वर्जन में कैसे अपडेट कर सकते हो। एंड यार ये सभी इन्फॉर्मेशन रही फॉर ओप्पो A5 A9 2020, ओप्पो A53, ओप्पो F17 एंड साथ ही साथ ओप्पो रेनो 2 F2Z, इन सभी जो भी डिवाइस बची हैं इनके भी डिवाइस में कलर ऑफ 11.1 का ऑफिशियल वर्जन का न्यू वर्जन प्रोवाइड होगा इसी मंथ के लास्ट वीक के पहले पहले, जिनमें हमें जुलाई 2020 फेस्ट का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा एंड कुछ बग एंड इश्यू को भी फिक्स किया जाएगा कलर्स की तरफ से। एंड जो यूजर वेट कर अपने डिवाइस में कलर स्टॉल अपडेट का, वो मैंने सुबह में एक वीडियो अपलोड की थी जिसका मैंने फुल रिव्यू किया था एंड चाइना में कलर स्टॉल का अपडेट अवेलेबल हो चुका है एंड मैंने आपको वहां पे सब कुछ फोटो वगैरह सब कुछ दिखाई थी। एनीवे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, सुबह वाली वीडियो को आप देख सकते हो। दैट्स इट एंड बहुत सारा थैंक्स, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।